कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ओशन साइड जो व्यू होता है ना उसे। तो यार मुझे स्कूल से आई थी फोटो जो कि मेरी टीचर ने भेजी थी, तो उसे मुझे अपने स्केचबुक में बनाना था। सो पहले तो मैंने स्केचिंग अच्छे से कर ली, उसके बाद से टाइम पेंटिंग करने का। तो सबसे पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, अच्छे से पेंटिंग हो रही थी। बट गाइस जब मैंने ये ब्लैक कलर से पेंटिंग की तो मुझे लगा नहीं, मैंने पूरी की पूरी ड्राइंग जो ख़राब कर दी। तो बाद में मैंने जैसे तैसे करके उसको ठीक कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पर फिर से लगा दिया क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था। सो मैंने ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स करके ब्राउन कलर लगाया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रेड ग्रीन कलर किया, मैंने जैसे तैसे करके उसको ठीक कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पर फिर से लगा दिया क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर नहीं था। सो मैंने ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स करके ब्राउन कलर लगाया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रेड ग्रीन कलर किया जो भी लीव्स थी ट्री की। पेंटिंग करने में लीव्स में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। उसके बाद ही थोड़ा कुछ ज़्यादा लाइट हो गया था उसका कलर, तो मैंने दोबारा से इसको कलर किया। मुझे इसे देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे इस बार को कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ ताकि आप भी बोलना और मैं भी बोलना, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोशन में रखी हूँ। इसमें डार्क ग्रीन कलर भी ऐड करी ताकि थोड़ा अच्छा लगे यार, ठीक है, सिंपल सिंपल ना लगे क्योंकि मुझे, मैं आपको क्या वो दिखाऊंगी मैं इसको दिखाने के बाद, ठीक है। तो यार मैं सोचा चलो थोड़ी अच्छी बन जाएगी ड्राइंग, क्योंकि पहले मुझे लगा कि नहीं यार अब तो मैंने अपने कबाड़ा कर दिया ड्राइंग का, पर मैंने हार नहीं मानी। क्यों आपको रूट दिख रही है ना, देखो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया इसको। एंड अभी मैं घर पे भी पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस घर पे रेड कलर किया, उसके बाद ऑरेंज किया, उसके बाद येलो किया, और हाँ साइड साइड में ब्राउन भी किया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये मुझे दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट में बताना। तो गाइस इसके बाद की पेंटिंग की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, बट मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ।